लुकवासा जिले के कोलारस अनुविभाग के लुकवासा स्कूल अंतर्गत भाटी पंचायत स्थित ग्राम हिनोतिया का शासकीय प्राथमिक स्कूल महीने में कभी कभार खुलता है। वहीं ग्रामों ने इसकी शिकायत शिक्षा विभाग के अधिकारियों से भी की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। गांव के राजकुमार यादव व धर्मेंद्र यादव आदि ने बताया कि इस शासकीय प्राथमिक स्कूल में प्रभारी के तौर पर शिक्षक शरद गोस्वामी हैं और एक महिला शिक्षक नर्मदा गुप्ता है। ये स्कूल महीने में 2 या 4 बार खुलता है। स्कूल न खुलने से यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। हमने इस मामले की शिकायत गाँव के सरपंच से लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों से की, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये बोले स्कूल प्रभारी, मेरी ड्यूटी BLO के रूप में लगी है, इसलिए मैं नहीं आ पा रहा। जो महिला शिक्षक है वह मेडिकल अवकाश पर है, इसलिए स्कूल नहीं खुल पा रहा है। मैंने वरिष्ठ अधिकारी को बोल दिया है, एक शिक्षक की व्यवस्था हो जाएगी। शरद गोस्वामी स्कूल प्रभारी हिनोतिया, मैं पूरे मामले को दिखवाता हूँ, साथ ही प्रभारी से बात करता हूँ। स्कूल बंद रहना गलत है, जाँच के बाद मामले में कार्रवाई की जाएगी। HS शर्मा BRC कोलारस। आपका स्कूल बंद है जी, आज ही बंद है क्या हमेशा रहता है? नहीं, वो तो हमेशा रहता है, कभी कभी खुलता है। अच्छा, ऐसा क्यों है? हमें क्या मालूम सर, ऐसा क्यों? अच्छा, कितने शिक्षक हैं स्कूल में? 2। दोनों में से एक भी नहीं आता? कभी कभी मैं कहता रहा, शाम ही आते हैं क्लास। अच्छा, वो मैडम तो हमने देखी नहीं है, कैसी है कारी पीरी, कैसी है? अच्छा अच्छा, नाम है आपका? राजकुमार यादव। अगर स्कूल बंद है, क्या कारण है स्कूल बंद होने के? इनका यही कारण है, ने कभी आते ही नहीं है। अच्छा। है कि वो तो जी हम बोलते हैं सर क्यों नहीं आते हैं, मेरी मर्जी है, ऐसा ही आएंगे, आप जो शिकायत करना है जी शिकायत करो। कितने शिक्षक हैं यहाँ? 2 शिक्षक हैं, जिनमें से दोनों में से एक भी नहीं आता? एक भी नहीं आता, एक आते 8-10 दिन में, शरद गोस्वामी, एक मैडम है, उनकी तो हमने अभी तक इस शक्ल भी नहीं देखी। अच्छा, यहाँ पे कब से हैं? और वो अभी स्कूल खोले हैं, जब से हमें पता है कि एक मैडम नई मैडम आ गई हैं, तो उनकी तो हमने अभी तक शक्ल नहीं देखी, कैसी है, नाम भी पता नहीं है। कोई बताता है कि नम्रता गुप्ता नाम है, दतिया की रहने वाली हैं, अभी तक हमने यहाँ पर नहीं देखी है। अभी 15 अगस्त के दिन भी नहीं आए। मैंने BRC साहब से भी एक बार शिकायत की थी, उनने भी कहा मैं ठीक है देख लूँगा, तो वे भी ऐसी फोन भी नहीं उठाते। अब इसकी शिकायत आपने BRC को की थी जी?